नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी विस्तृत तरीके से चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर हमारे सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक शुंग वंश। दोस्तों, शुंग वंश शुरू करने से पहले आपको बता दें, हिस्ट्री की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव डाली थी, शुंग वंश। और दोस्तों, ये शुंग वंश जो था इसका टाइम पीरियड क्या रहा, तो दोस्तों टाइम पीरियड शुंग वंश का 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक शुंग वंश ने शासन किया। और दोस्तों, मौर्य वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मौर्य वंश का टाइम पीरियड क्या था, तो मौर्य वंश का टाइम पीरियड था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश ने दोस्तों लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 137 वर्षों तक शासन मौर्य वंश ने किया। मौर्य वंश में दोस्तों भागवत पुराण के अनुसार कुल कितने शासक हुए हैं, तो भागवत पुराण के अनुसार दोस्तों मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए थे और वायु पुराण के अनुसार मौर्य काल में कितने शासक हुए, तो 9 शासक हुए थे। वायु पुराण के अनुसार 9 और भागवत पुराण के अनुसार 10 शासक हुए थे। तो दोस्तों, शुंग वंश का जो टाइम पीरियड था वो 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक रहा। और शुंग वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग और ये दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की इसने स्थापना की थी। और दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी, तो शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। विदिशा ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और शुंग वंश दोस्तों यह भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश जो था दोस्तों ये भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। उसके बाद आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग जो है इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। और इसने दोस्तों अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कराया। पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया था। और पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इसके लिए अश्वमेध यज्ञ किसने कराए, तो पतंजलि ने कराए। दोस्तों, पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। और जब हम लोग दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो योग दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों पतंजलि हैं। वैदिक सभ्यता में हमने आपको बताया था कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। और दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिन्हें पतंजलि ने कराया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अयोध्या अभिलेख या धनदेव अभिलेख से प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने कराए थे। उसके बाद दोस्तों धनदेव, ये धनदेव कौन था, तो इस वंश का 6ठा शासक धनदेव था। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाभाष्य पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो पतंजलि है महाभाष्य पुस्तक के लेखक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है दोस्तों। और दोस्तों, हमने आपको जब वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तब हमने आपको कुछ दर्शन बताए थे, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल मुनि है। योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कहा जाए तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। ये भी सभी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, तो पतंजलि हैं। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो पतंजलि हैं। और दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ किसने कराए, तो पतंजलि ने कराए। उसके बाद आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में सर्वाधिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में सर्वाधिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ। और
भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र सुंग ने कराया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र सुंग ने कराया था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इंडो यूनानी शासक मिनांडर, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन हुआ? तो इसका पुत्र अग्निमित्र सुंग हुआ। अग्निमित्र सुंग दोस्तों पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी हुआ। और अग्निमित्र सुंग के विषय की जानकारी हमें कालिदास के उपन्यास मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। दोस्तों कालिदास का ये उपन्यास है मालविकाग्निमित्रम, याद रखना। ये भी सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो कालिदास जी हैं। और ये दोस्तों जो पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी पुत्र अग्निमित्र सुंग था, ये उसकी और मालविका की लव स्टोरी है मालविकाग्निमित्रम में। और इसके मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसने दोस्तों बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तथा सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। तो दोस्तों बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। उसके बाद आगे देखते हैं, सुंग वंश का अंतिम शासक, दोस्तों सुंग वंश का अंतिम शासक था देवगुप्त। याद रखना दोस्तों कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र सुंग था। और सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। दोस्तों देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव ने कर दी, वासुदेव ने कर दी तथा मगध पर कड़ु वंश की स्थापना की। तो दोस्तों कड़ु वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव है। और सुंग वंश का अंतिम शासक तो देवभूति। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कड़ु वंश, अगर कड़ु वंश की बात करें दोस्तों, तो कड़ु वंश का टाइम पीरियड 73 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व तक रहा। और इसका संस्थापक वासुदेव और इसका अंतिम शासक हुआ था सुशर्मा। दोस्तों कड़ु वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक कौन हुआ? तो सुशर्मा हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। दोस्तों सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी जो अंतिम शासक था कड़ु वंश का, और सातवाहन वंश की स्थापना की। दोस्तों ये कड़ु वंश में केवल 4 राजा हुए, यह भी एक ब्राह्मण वंश था, कड़ु वंश भी एक ब्राह्मण वंश था, इसमें केवल 4 राजा हुए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश। दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश जो था, इसका संस्थापक सिमुक था, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कड़ु वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की। तो दोस्तों 60 ईसा पूर्व में आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की, और किसकी हत्या करके? तो कड़ु वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके। उसके बाद आगे देखते सातवाहनों की राजकीय भाषा, याद रखना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा दोस्तों क्या थी? तो प्राकृत, और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। उसके बाद दोस्तों सातवाहन शासकों ने सीसे, चांदी, तांबे के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए। दोस्तों क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सिक्के, तो सीसे, तांबे, चांदी के सर्वाधिक सिक्के सातवाहनों ने प्रचलित किए थे। उसके बाद दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? तो सर्वप्रथम ये आरंभ किस किया था? सातवाहन शासकों ने। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने प्रारंभ की। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो दोस्तों सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र, पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। कौन कौन से दोस्तों हैं? तो सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र, पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। दोस्तों सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। दोस्तों जो सातवाहन वंश के शासक थे उसमें हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि उनके राजाओं के नाम जो थे उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। आपने दोस्तों देखा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, ये दोस्तों इनकी माताओं के नाम पर नाम रखने की प्रथा थी, इसीलिए मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास दोस्तों दिखाई देता है सातवाहन शासकों में। उसके बाद आगे देखते हैं, लेकिन दोस्तों सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का राजा
उत्तराधिकारी या दोस्तों उनका पुत्र ही होता था। तो दोस्तों माताओं के नाम पर जो इनके नाम रखे जाते थे तो मातृसत्तात्मक की आभास होता है, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। इससे दोस्तों पितृसत्तात्मक भी था ये सातवाहन वंश। उसके बाद आगे देखते हैं सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ। सबसे पहले तो दोस्तों कार्ले का चैत्य पूछा जाता है कि कार्ले का चैत्य कहाँ है। तो दोस्तों ये कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है कार्ले का चैत्य। उसके बाद दोस्तों अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण, दोस्तों अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण भी सातवाहन शासकों ने कराया है और ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में है, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये था हमारा आंध्र सातवाहन वंश। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।